उमंग सर आइए सर। या डन सर। एक्सक्लूसिव एक्सक्लूसिव लेने गए थे। हो गया हो गया। अरे तो बोल रहा है ना। और उमंग सर आइए सर। देख मेरा कलर टोन देख। या डन सर। अब सबका एक साथ है। सबका एक साथ है। सर सेंटर सर सेंटर यस सर थोड़ा सीट हो ना सर थोड़ा यस सर लग परफेक्ट आप प्लीज सेंटर प्लीज सेंटर यस सर यस सर यस वेट सर सेंटर यस वेट सर सेंटर सर सर सेंटर प्लीज यस सर सर थोड़ा थोड़ा शिफ्ट थोड़ा और थोड़ा शिफ्ट यस सर एक्सक्यूज मी सर प्लीज सेंटर यस सर यस सर दादा दादा एक मिनट दादा एक मिनट में पाँच मिनट सर एक मिनट एक ही बोला दादा एक सेकंड सर सर सामने लिया सर सामने स्टेट या सर क्या सर एक सर प्लीज कैमरा लुक सर प्लीज सुधा सर सुधा सर सेंटर काफ़ी एक्साइटेड एंड नर्वस एट द सेम टाइम ऐसी कहानियाँ कहना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है हम सबके लिए कि हम अपने व्यूअर्स को एंटरटेन करें और एक नए तरीके से नए थॉट के साथ नए इंटरप्रिटेशन के साथ इस कहानी को हम पेश कर रहे हैं। कहीं ना कहीं एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक्साइटमेंट है नर्वसनेस है सब कुछ पुट टुगेदर है तो व्हाट एल्स कैन आई से आई थिंक आई एम वेटिंग फॉर द 19 फॉर द व्यूअर्स टू टेल अस बिकॉज मुझे सच में नहीं मालूम है कि लोगों को क्या अच्छा लगता है क्या नहीं अच्छा लगता है। मैं ये समझता हूँ कि हम किस तरीके से उसे प्रेजेंट करें और इस तरह से एंटरटेन करें और वो थॉट छोड़ के जाएँ उसके पीछे जो हम कहना चाह रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम वही कर रहे हैं और 19 का वेट कर रहे हैं। आई होप दर्शकों को ये पसंद आए और ये देखें कहानी और हमें मालूम पड़े कि हमने अच्छा किया है। हमने जो भी किया है काफ़ी दिल से पूरी जोश के साथ एनर्जी के साथ अपने पास के एक्सपीरियंसेस एंड लर्निंग्स के साथ ये कहानी कह रहे हैं। लुकिंग फॉरवर्ड टू द नाइट। मुझे लगता है कि बहुत पैसे मिलते हैं बहुत ही इज़ अ वेरी रिच गाय बिकॉज़ ऑफ़ दोस्त जो साथ क्या चाहते हैं। मुझे लगता है कि हम इस इंडस्ट्री में इसलिए नहीं आए कि यहाँ पे हम क्योंकि हमें नहीं मालूम है कि हम कोई भी चीज़ करें तो उसका क्या रीज़न होगा पर मुझे ये मालूम है कि हम यहाँ पर इसलिए आए कि हम अच्छी कहानियाँ कह पाएँ। ये हमारा कल्चर है ये हमारी हिस्ट्री है ये कहानियाँ ऐसी नहीं है जो आप कल सुबह सोचो तो आप परसों बना इनके पीछे बहुत मेहनत है चीज़ें समझनी पड़ती हैं हम पढ़ते हैं उसे हम किस तरह से उसे आज इंटरप्रेट करें व्यूअर्स वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो कहीं ना कहीं नई दुनिया क्रिएट करो ऐसे टैलेंटेड लोग साथ में जुड़े जो हम लोग वो दुनिया बनाए व्यूअर्स ये हमारी इंडिया की कल्चर है ये हमारी ऐसा होता था उस ऐसे एक्टर्स फाइनली स्क्रीन पर लाकर और ये फील कराएं कि हाँ ये हमारी कहानी ऐसा हुआ था उस टाइम। तो ये सारे फैक्टर्स जब आपके पास ऐसे ऑप्शंस हो तो और करने में ज्यादा उतनी चैलेंज नहीं लगती। इससे मैं भी हर बार कुछ सीखता हूँ मुझे हर बार पढ़ना पड़ता है समझना पड़ता है कि हम ये कहानी शिव जी ने क्यों अपनी लाइफ में कही इसका भावार्थ क्या है थॉट क्या है। काफी चैलेंजिंग लगता है मेरे को और एक्साइटिंग लगता है इसीलिए मैं ये स्पेस में काम किया।
No, of course, I think that what you're saying is absolutely. अभी के time पे अगर आप कहानियाँ कह रहे हो और आप audiences के पास आज 25 years में इतना exposure हुआ है, उनको global content का exposure मिला है, उनके पास सारी अलग अलग चीज़ें हैं, पर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं television as a platform जो every day लोगों को हम लेके आते हैं कि आप आइए आज, आप फिर कल देखिए, फिर से परसों देखिए, ये एक in itself बहुत ही बड़ा challenge है, इसे लिखना, बनाना, present करना, कि हम दर्शकों को रोज़ बोले कि आप आज फिर दे, क्योंकि आप किसी को आज एक 5 मिनट बैठा के कुछ दिखा दो तो वो समझ जाऊंगा मैं क्या होता है, मुझे ही दिखाने की कोशिश करे तो यू नो इट हैज़ टू बी अ पर्टिकुलर टाइप यू नो. सो ऑफकोर्स इट्स अ बिग चैलेंज एंड कहीं ना कहीं टेलीविजन के साथ साथ में कंजम्पशन पैटर्न जो हो रहे हैं ऐड, तो आज जिनके घरों में टीवी है वो टीवी पे देख रहे हैं, जिनको वो जियो सिनेमा पे देखना है वो जियो सिनेमा पे देख, तो कहीं ना कहीं व्यूअर कंटेंट कर रहे हैं पर अलग अलग टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स के साथ. पहले हम कैसेट में गाने सुनते थे, आज अलेक्सा को गाने, तो कहीं ना कहीं गाने तो वही हैं, गाने का सोल वही रहेगा, पर उसको जो हम कंज्यूम करते हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे वो चेंज हो रहा है, वो इवॉल्व हो रहा है. तो हम सब भी अपने कहने के तरीकों में, मेकिंग में, पूरी इंडस्ट्री इवॉल्व हो. इट्स अ ग्रेट टाइम फॉर स्टोरी टेलर्स, ग्रेट टाइम फॉर एवरीबडी. कहीं ना कहीं अगर आप अपने बिलीफ के साथ कोई कहानी कहोगे तो उसके लिए उसको वो दर्शक मिलेंगे. और कोई चीज़ चलना या नहीं चलना, सच बताऊँ इतने एक्सपीरियंस लोग हम सब साथ में यहाँ खड़े हैं, किसी को नहीं मालूम है कल क्या चलेगा, किसी को नहीं मालूम है कल क्या वर्क करेगा. अगर आप यही सकते हो जो आपकी बिलीफ हो, आप उसको पूरे दिल से करो, अच्छे से करो, उसके बाद वरना आप एस्ट्रोलॉजर बन जाओगे जो फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकते. मुझे फ्यूचर के बारे में कुछ नहीं मालूम, तो अच्छा करेंगे, बाकी 4 महीने बाद क्या होगा, 3 महीने बाद क्या होगा, वो चलेगा या नहीं चलेगा या आधा चलेगा, वो आउटकम है आपके एक्शन का, वो आप पे कंट्रोल में एनी वे. आई थिंक दैट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट. जी बिल्कुल. देखिए मुझे क्या लगता है ना कि हम जब राधा कृष्ण की कहानी आई थी तो पहले दिन से वो बिल्कुल ही एक्सेप्टेड, तो वो तो बात अगर मैं ये अभी से टीआरपी की बात की तो वो तो बिल्कुल ही उल्टा था टीआरपी के फ्रंट पर. मोर देन दैट मुझे क्या लगता है कि काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हम पे कि हम इस देश की ये कल्चर की कहानियाँ कह रहे हैं, कहीं ना कहीं हम उसको मजाक नहीं बना. मुझे लगता है कि हम उसे पूरी श्रद्धा के साथ में और हमारे पास को ग्लोरीफाई करते हुए उन कहानियों को कहना चाहिए. और हमारा कंट्री, हमारे देश में अलग अलग जगहों पे अलग अलग टेक्स्ट पे अलग अलग चीज़ें लिखी, तो कहीं ना कहीं कभी ना कभी कोई ना कोई अपसेट होता है. अलग अलग वर्जन है एक ही किताब की, एक ही आप एक बुक स्टोर में जाएंगे आपको 10 तरह की गीता रखी रहती, तो कौन सी गीता सही है कौन सी गीता गलत है, वो एक इंसान की इंटरप्रिटेशन है. यही हमारी संस्कृति है, यू हैव टू बिल्ड योर ओन थॉट्स. हम एग्जाम स्कूल में पढ़ते हैं, अगर हम जो बुक में लिखा है वो एग्जाम में लिख के आते हैं तो 100 मार्क्स नहीं मिलते किसी को, 50% ही मिलता है, क्योंकि आपके टीचर ने आपको ये बोला है कि आपने क्या सोचा उसमें, आपने क्या समझा, आपने क्या लिखा. तो हम वो कोशिश हर बार करते हैं और उसमें कुछ लोग दुखी होते हैं, पर हमारा इंटेंशन कभी ये नहीं है कि किसी को दुखी करना. हमारा इंटेंशन ये है कि हम अपने कल्चर को इस तरह से प्रेजेंट करें कि लोगों को लगे दे फील प्राउड ऑफ बींग इंडियन, दे फील प्राउड दिस इज आर रूट्स. And our new generation should watch these stories to understand who are we, where have we come from, you know, what is our past, why are we the way we are. I think these things are more important. And some people will always be upset. Is everybody happy with you in your house? Basically, हर 5 साल आप वही कहानी दोबारा बोलोगे, लेकिन अपने स्टाइल में. क्योंकि वही कहानी आप अगर पढ़ोगे तो आप अपने स्टाइल में पढ़ोगे, ये अपने स्टाइल में पढ़ेगा. लेकिन दिखाते क्या है उस हिसाब से, you know, you retell a story in a different form. हम larger than life scale इतना बड़ा कर देते हैं कि लोग वही सेम चीज़ अलग रूप में देखेंगे. अब ये मानने लगेंगे, वो पहला भूल के ये बिलीव करने लगे ये हमारा ट्रूथ है. बट हाँ, स्टोरी टेलिंग का स्टाइल जो इनका है वो बहुत टाइम से क्यों ये कहानियाँ कर रहे हैं, बिकॉज ही बिलीव्स इन दैट स्केल, ही बिलीव्स इन दोज स्टोरीज. एंड यस, वी शुड, जैसे दादी बोलती आई हैं हमारे को हर टाइम से, यू नो, हमारे पेरेंट्स बोलते आए हैं, तो एक हम बिलीव कर रहे हैं और वो हम देख रहे हैं एक नए जोन में. तो डाउन जनरेशन हमको ये भूलना नहीं चाहिए कि ये एग्जिस्ट करता था. एंड स्टोरी टेलिंग का स्टाइल चेंज हो गया, तो उस हिसाब से हम भी स्टोरी टेलिंग के डिफरेंट स्टाइल अपना रहे हैं. थैंक यू.